अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज बारां जिले में लाडो और महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को 25-25 हजार रुपए के चेक सौंपे गए। इसके साथ ही जिले भर की छात्राओं को साइकिल भी वितरित की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, बारां और किशनगढ़ के विधायक सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, आशा सहयोगिनी और आशा कार्यकर्ताएं भी मौजूद रही। 25 बालिकाएं जो सहरिया समुदाय से आती हैं और जो जरूरतमंद भी हैं और जो मेधावी भी हैं, उनका चिन्हीकरण किया था और भामाशाहों की मदद से उन सभी को 21-21 हजार रुपये की FD कराई गई है, जो आगे जाकर के जब वो 11वीं 12वीं में पहुंचेंगी उनकी पढ़ाई के लिए यूज़ होंगी। इसको हमने जो नाम दिया है वो लाडो सम्मान एक अभियान का नाम दिया है, क्योंकि इसी श्रृंखला में हम आगे और भी चीज़ें करते जाएंगे। लाडो योजना के अंतर्गत हमने बच्चियों को यहाँ पर आज वितरण, चेक वितरण किया, स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हमारी बच्चियों का हम यहाँ पर हमारे सरकार द्वारा रखा, और 4 दिन पहले ही हमारे रोडवेज में हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज देके महिलाओं को छूट दी। बालिकाओं को स्कूटी वितरण की गई है और हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण दिया गया है और सभी क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको लेकर हमारी सरकार संकल्पित है। महिला किसी भी राज्य में पंचायत में जो उसका कोटा था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो महिलाओं को बहुत बड़ी सुरक्षा दी है ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो योजना है नीचे तक जाए।